आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कहना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं और पूरा मान सम्मान है हमारे मन में, लेकिन जजमेंट जो है वो दिल्ली के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट देके एक सरकार चुनी। आज का जजमेंट ये कहता है कि उस चुनी हुई सरकार को ऑफिसर्स की ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई सरकार अपने ऑफिसर्स भी ट्रांसफर नहीं कर सकती तो वो सरकार चलेगी कैसे? अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करता, उसको हटा के हम दूसरा ऑफिसर नहीं लगा सकते, तो सरकार चलेगी कैसे? आज का जजमेंट ये कहता है कि जिस पार्टी की सरकार है, जिसको 70 में से 67 सीट मिली, उसके पास अपने ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, लेकिन जिस पार्टी को 70 में से 3 सीट मिली, वो पार्टी अब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी दिल्ली की। दिल्ली के सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार विपक्षी पार्टी को है, जिसको केवल 3 सीट मिली। ये कैसा जनतंत्र है? संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर तो डेमोक्रेसी है ना, जनतंत्र है ना। जो सरकार चुन के आती है, जिसको जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया, अगर उस सरकार को काम करने की शक्तियां ही नहीं है तो फिर वो सरकार कैसे काम करेगी? कैसा जनतंत्र है, कैसा ऑर्डर है? और अगर वो सारी ताकतें शक्तियां विपक्षी पार्टी को दे दी जाए तो विपक्षी पार्टी तो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो सरकार चलने ही ना दे। अभी 4 साल से हम ये भुगत रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा के अंदर काम किया, पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के काम को रोकने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी को बदल के ऐसे अफसर को अपॉइंट कर दिया जाए जो कि अब मनीष सिसोदिया जी के काम करने की बजाय उनके हर काम को रोके, तो मनीष सिसोदिया जी स्कूल कैसे बनवाएंगे, स्कूल कैसे चलाएंगे? सतेंद्र जैन जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। अब ऐसे हेल्थ सेक्रेटरी को अगर अपॉइंट कर दे विपक्षी पार्टी जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनने ना दे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां ना सप्लाई होने दे, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट ना होने दे, हेल्थ मिनिस्टर के फोन ना उठाए, तो फिर मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे? ये कैसा निर्णय है? ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्रांच अब दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। 40 साल से दिल्ली के अंडर में, दिल्ली सरकार के अंडर में थी एंटी करप्शन ब्रांच, अब नहीं है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री के पास कोई आके कहे कि इसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं क्या करूं? मैं विपक्षी पार्टी को बोलूं, बीजेपी को बोलूं कि अब आप इसका, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए? वो ही तो करवा रहे हैं, विपक्षी पार्टी तो सारा गड़बड़ करवा रही है और सारी शक्तियां आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को छोड़ के विपक्षी पार्टी को दे दी गई। हमें लगता है कि ये जजमेंट ना केवल दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये जजमेंट जनतंत्र के खिलाफ है। अब इसका जो भी इसके लीगल उपाय हैं वो सब हम करेंगे, रिव्यू में जाने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है वकीलों से बात करेंगे, लेकिन अब इसका समाधान एक ही है, इसकी चाबी एक ही है, वो दिल्ली की जनता के पास है। मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है। आपने हमें चुन के भेजा, 70 में से 67 दी, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। 4 साल के अंदर हम लोगों ने आपके लिए, आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने, गोपाल राय जी ने, सतेंद्र जैन जी ने, हमारे अन्य मंत्रियों ने,
लड़ झगड़ के, लड़ लड़ के, रोज लड़ लड़ के काम करवाए हैं। फाइलें क्लियर करवाने के लिए एलजी से अगर मनीष सिसोदिया जी को और सतेंद्र जैन जी को और अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को, गोपाल राय को 10 दिन का अनशन करना पड़े, एलजी के घर में घुस के अगर हमें फाइलें क्लियर कराने के लिए 10 दिन का अनशन करना पड़े, ऐसे कैसे दिल्ली चलेगी? ऐसे कैसे दिल्ली का विकास होगा? सड़कें बनवाने के लिए, पानी दिलाने के लिए, बिजली दिलाने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, किसानों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, हर फाइल के लिए अगर हमें एलजी के घर पे धरना करना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, ऐसे सरकार कैसे चलेगी? तो अब दिल्ली के लोगों के हाथ में चाबी है। ये वाला जो लोकसभा का चुनाव है, मेरी दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस लोकसभा के चुनाव को आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत देना। अभी तक आपको कांग्रेस और बीजेपी केवल एक ही इसका समाधान है, पूर्ण राज्य का दर्जा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली जैसे पूरे देश के अंदर जो सरकार लोग बनाते हैं चुन के, उस सरकार के पास पूरे अधिकार होते हैं, पूरी शक्तियां होती हैं। दिल्ली के, दिल्ली वालों की सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? दिल्ली के लोगों की सरकार के पास शक्तियां क्यों नहीं है? मैं दिल्ली के लोगों से आज अपील करना चाहता हूं, इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप 7 सीटें आम आदमी पार्टी की दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम संसद के अंदर इन लोगों को, जो भी सरकार बने, संसद के अंदर हम उनको बाध्य करेंगे कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाए, दिल्ली के चुनी हुई सरकार को पूर्ण अधिकार मिले, ताकि दिल्ली के लोगों के विकास के लिए वो सरकार काम कर सके। कोई क्वेश्चन अगर अभी उस दिशा में कोई सहमति नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसका मूड भांपना चाहिए कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की मूड नहीं भांप पाई तो उसको मजा चखाएंगे लोग, ये किस संदर्भ में? मेरा अपना ये मानना है कि आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा देश चाहता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को इन चुनावों में 2019 के चुनावों में हराया जाए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ताकि एंटी बीजेपी वोट बट ना सके। ये बात सभी पार्टियों को समझनी पड़ेगी। तो अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी के खिलाफ 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, इससे भाजपा को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सपा बसपा के अलावा तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को फायदा होता है। तो सबको ये समझना पड़ेगा, मैं किसी एक पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। सर, yesterday you held a opposition's rally and today after the SC judgment, Sheila Dixit has welcomed the Supreme Court judgment, which you are criticizing right now. मेरे को लगता है कि मैं शीला जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी प्रीडिसेसर थी, अभी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी, मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने के लिए। मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, कई बार मुद्दे बहुत बड़े होते हैं, देश बड़ा होता है, जनतंत्र बड़ा है, संविधान बड़ा है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के बयान ठीक नहीं है। जो शक्तियां शीला दीक्षित जी के पास थी, उसकी 10% शक्तियां भी हमारे पास नहीं बची हैं। क्या शीला जी कह सकती हैं कि उनके पास ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की पावर नहीं थी? उनके पास सारी पावर्स थी। क्या वो कह सकती हैं उनके पास एसीबी नहीं थी? उनके पास एसीबी थी। उसके अलावा 10 साल तक जब उन्होंने राज किया, केंद्र में भी उनकी सरकार थी और इधर भी उनकी सरकार थी, जिसका उनको बेनिफिट मिलता था। उसके बावजूद जितना 15 साल में उन्होंने काम किया, 4 साल के अंदर हमने उनसे कहीं ज्यादा 10 गुना काम कर दिया। मैं शीला जी से निवेदन करूंगा कि ये दिल्ली की बात है, आज हमारी सरकार है, कल हो सकता है आपकी सरकार हो, उन शक्तियों की आपको भी जरूरत पड़ेगी। तो दिल्ली के लिए बात कीजिए, दिल्ली के लोगों की सरकार के, चुनी हुई सरकार के लिए बात कीजिए, जनतंत्र के लिए बात कीजिए। इस तरह से शॉर्ट टर्म बयान ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे मन में देश को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है,
हम देश की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरह से 5 साल के अंदर देश का भाईचारा खराब किया गया, किस तरह से नोटबंदी जैसे बहुत गलत निर्णय लिए गए जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ, किस तरह से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है पूरे देश के अंदर, किस तरह से एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को खराब किया जा रहा है, किस तरह से एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज को खराब किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर हमारे मन में बहुत चिंता है। उसी वजह से हम लालायित हैं। अरविंद, गठबंधन की बात पूरी तरह खत्म हो गई है, अभी भी गुंजाइश है? उन्होंने लगभग मना कर दिया। कैन द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क विदाउट पावर्स टू ट्रांसफर एंड विदाउट एन एंटी करप्शन ब्रांच? क्या कोई भी सरकार, सरकार छोड़ो कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप जैसे जो टीवी चैनल में काम करती हैं, अगर आपके चेयरमैन के पास आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की पावर ना हो, चैनल चल सकता है? कोई कंपनी चल सकती है? कोई संस्था चल सकती है? सरकार कैसे चल सकती है? कहते हैं कि काम तो मनीष सिसोदिया स्कूल तो वो बनवाएगा, अफसर जो है विपक्षी पार्टी अपॉइंट करेगी, तो विपक्षी पार्टी तो चुन चुन के ऐसे अफसर को अपॉइंट करेगी ना जो बिल्कुल निकम्मा हो, भ्रष्ट हो, गड़बड़ हो, जो उनका काम ना करे, और फिर अपॉइंट करने के बाद भी उसको डराएगी कि अगर तूने मनीष सिसोदिया की बात मानी तो देख लियो तेरे को फिर अंडमान भेज देंगे। हाउ कैन अ गवर्नमेंट फंक्शन लाइक दिस? आई फेल टू अंडरस्टैंड। दीज आर वेरी माइनर थिंग्स, मुझे नहीं पता, अभी जजमेंट मेरे को पढ़ना पड़ेगा, पर मोटे मोटे तौर पे किसी भी आज के मतलब मुख्यमंत्री की चपरासी को ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं है। ये क्या जजमेंट है कि एक चपरासी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री ट्रांसफर नहीं कर सकता? दिल्ली के लोगों ने 67 सीट दी थी, इतना भारी बहुमत दिया था, दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया था, ये कैसा जजमेंट है? बहुत गलत जजमेंट है ये। असेंबली हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर डेली मिनिस्टर मिस्टर सिसोदिया हैड प्रॉमिस्ड टू फॉर्म अ कमिटी एंड यू नो फॉर्म अ मॉडेलिटी फॉर देम। व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन? एज इट स्टैंड्स टुडे द प्रॉब्लम इज सर्विसेज इज नॉट विद इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम वो कानून पास नहीं कर सकते जब तक वो वापस हमें रिस्टोर नहीं किया जाएगा। हम बनाना चाहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। आज दिल्ली के अंदर अगर हमें ये पावर मिल जाती तो कम से कम 2 लाख नौकरियां दिल्ली के अंदर निकल सकती थी। कितने युवाओं को फायदा होता, 2 लाख सरकारी नौकरियां कम से कम निकल सकती थी। इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, इतने स्कूल बना रहे हैं, इतने अस्पताल बना रहे हैं, इतने नई नई चीजें कर रहे हैं हम लोग, इतना ज्यादा स्कोप था। सर, क्या इस झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो मिला है ये फैसला, अब लड़ाई सड़क पर होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर? मुझे लगता है कि अब दिल्ली के लोगों के हाथ में चाबी है। दिल्ली के लोग चाहें तो इसी चुनाव के बाद अगर 7 सीट आम आदमी पार्टी की आती है, मुझे पूरा यकीन है जैसे हमने लड़ लड़ के बिना किसी शक्ति के 4 साल के अंदर इतनी शानदार सरकार चला ली, अगर हमें 7 सीट मिल गई तो इनसे लड़ लड़ के संसद के अंदर हम पूर्ण राज्य का दर्जा भी ले लेंगे दिल्ली के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।